अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में। बड़ा मजा आएगा क्लिप बोर्ड ग्रुप करने में और इसके बड़े फायदे जो आपको नजर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज में सबसे पहले यहाँ पर देखें तो क्लिप बोर्ड ग्रुप ये रहा हमारे पास। ओके, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से होम के अंदर टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर रिबन होते हैं, रिबन होता है, रिबन के अंदर टैब्स होते हैं, उसमें से एक टैब है क्लिप बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप का सबसे पहले काम समझें, काम क्या होता है, कॉपी पेस्ट कट करना, यानी कि कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, यही काम जो है किसका होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप का यही काम होता है। ये अक्सर हम पेपर के अंदर सारा काम करते हैं, कहीं पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, जब हम कर रहे होते हैं ये सारा काम कहाँ से हो रहा होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप से हो रहा होता है। और अगर बेसिकली मैं दिखाऊँ आपको एक तरीके से, या आपको याद करवाऊँ कि आप व्हाट्सएप में जब आप कोई कॉपी करते हो कोई चीज़, तो वो क्लिप बोर्ड में जाके कॉपी होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप कॉपी करोगे वो कहाँ जाके कॉपी होगा, क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी होगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम जो इसके अंदर टूल समझने वाले हैं वो है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या है वो फॉर्मेट प्रिंटर, सही। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा जो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के नाम से, ठीक है, तो मुझे किसी एक के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, किसी एक के ऊपर, यानी कि सेक्शन बी पे कर लें तो सेक्शन बी पे हो जाएगा, कोई मैसेज बात नहीं है। सेक्शन सी पे कर लें, सेक्शन ए सेक्शन बी पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली मकसद समझा दूँ क्या है यहाँ पे, यानी कि आप एक पेपर बनाओगे, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही दफ़ा फॉर्मेटिंग करनी है। क्या करनी है, एक ही दफ़ा फॉर्मेटिंग करनी है। आप जो आराम से फिर अगले जो आपके दूसरे अल्फाबेट्स होंगे, दूसरे वर्ड्स होंगे, उनके ऊपर उसी को देखने देखी आप फॉर्मेटिंग करवा सकते हो। जरा देखते चल के कैसे ये सारा जो है यहाँ पे काम होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन कर लेनी है आपको, सही, सेक्शन ए जहाँ पे भी आप जो है वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हुई भी हो तब भी जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइप ऑफ ग्रीसी। ओके, यहाँ से मैं जो है फॉर्मेटिंग करूँगा सेक्शन ए के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखें तो ये ओपन हो रहा है मेरे पास। मेरे ख्याल से मेरे पास जो है एम एस वर्ड के अंदर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से जो है ये स्लो काम कर रहा है सब यहाँ पे, और यह सिस्टम की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैं भी जो है फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन पर आ गए हम, सही, ओके, येलो पे क्लिक कर दिया मैंने, या जो है हम कोई और जो आउटलाइन वगैरह लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने जो है ब्लू कलर की आउटलाइन ले ली, ठीक है। और इस वक्त जो है मैं यहाँ पे शेडो भी जो है अच्छा सा एक शेडो ले रहा हूँ, तो मैं एक शेडो भी ले लिया यहाँ पे इसके साथ, और इसी के साथ जो है मैं ग्लो भी ले लूँगा यहाँ से, ग्लो भी हल्का सा मैंने ले लिया, और इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन भी मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ से मैं साइज़ में भी इसको जो है बड़ा कर लिया, और मैंने इसको सेंटर में भी यहाँ पे कर लिया। तो मेरी एक अच्छी सी जो है कहले फॉर्मेटिंग यहाँ पे रेडी हो गई। बस मैं राइटिंग वगैरह यहाँ से चेंज करूँगा, फॉन्ट वगैरह चेंज करूँगा यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। और मैं इसको चाहता हूँ ये कैपिटल में जो चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से कैपिटल में चेंज कर लूँगा, अपर केस पे क्लिक कर दूँगा सिंपल आके। बोल्ड रखना है बोल्ड रखें, इटैलिक रखना है इटैलिक रखें, जैसा रखना है रखें। मैं फिलहाल मेरे पास जो है कंपोजिटिंग यानी कि कह लें कि फॉर्मेटिंग जो है वो रेडी हो गई। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपको कलर भी जो है एक अलग तरह के जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये काम भी जो है कर सकते हैं, जैसे मैं जो है यहाँ पे ब्लैक नहीं, मैं जो है कुछ इस टाइप का जो कलर रख देता हूँ, और साइज़ में थोड़ा छोटा करूँगा। जाहिर सी बात है पेपर में हम ऐसे साइज़ नहीं रखते, हम क्या करते हैं कि जो है एक सेक्शन को अलग अलग दिखाते हैं कि हाँ ये अलग अलग जो हमारे पास काम हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है काम हुआ कर रहा हूँ साथ में, यहाँ पे बॉर्डर लेने वाला हूँ। यहाँ पे बॉर्डर पर आया और सिंपल बॉटम में एक बॉर्डर ले लिया और टॉप पर एक बॉर्डर ले लिया। इसको साइज़ में मजीद जो है छोटा करूँगा मैं साइज में। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, जो बॉटम वाला बॉर्डर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग रिफ्लेक्शन मैंने ली है, उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा आउट आ रहा है, तो मैं इसको जो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ से इसकी जो है ख़त्म कर दी, तो इससे बॉर्डर मेरा सही हो गया, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यही सेक्शन ए वाली फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई हो जाए, सेक्शन बी पे भी अप्लाई हो जाए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, सिलेक्शन करूँगा, कहाँ पर जाके क्लिक करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूँगा जाके, और डायरेक्टली कहाँ पर आके इसको बस सिर्फ सिलेक्शन करनी है। याद रखें ये काम आप माउस से करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो है सिलेक्शन करी माउस से डायरेक्टली, और आप देखें सेक्शन बी भी जो है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे सामने आ गया। बस यहाँ पे कैपिटल ने जो है नहीं किया, यानी कि जो अपर केस अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, कैपिटल नहीं हुआ यहाँ पे, उसको जो है आपको यहाँ पे करना पड़ जाएगा। अपर केस करते हैं यहाँ से सिंपल, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाले हालत जो पर सेक्शन ए में थे, बिल्कुल सेक्शन बी में वही चीज़ अप्लाई हो गई है। अब दोबारा सिलेक्शन रहने दें और दोबारा जो यहाँ पर आएँ और सिंपल दोबारा इसके ऊपर ड्रैग कर दें। इसी के साथ भी वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने जो है इसको अपर केस यहाँ से कर दिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये असल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, कि आपने पेपर बनाया सेक्शन ए वगैरह, आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया, जाने दिया, कोई मसली बात नहीं, लेकिन फिर बाद में आपने सेक्शन ए को डिज़ाइन किया, फॉर्मेटिंग करी, और फिर सेक्शन बी पे और एडिटेज अप्लाई किया, सेक्शन सी पे भी एडिटेज जो है आपने अप्लाई
कर लिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आई होगी। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया तो सब जो है फॉर्मेटिंग यहाँ से निकली। अब मैं चाहता हूँ सेक्शन ए जो है मैं कॉपी करूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कॉपी है हमारे पास, क्या है ये कॉपी, फॉर्मेट फिल्टर के बिल्कुल ऊपर क्या है कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया, कंट्रोल सी प्रेस कर दें, कंट्रोल सी प्रेस कर दें, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो सेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आके जो है कहाँ क्लिक कर दूंगा, पेज पे क्लिक कर दूंगा, आप कंट्रोल वी प्रेस कर दें बाद एक ही है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ सेक्शन ए जो है ना पूरा मूव कर जाए, सेक्शन ए जो है वो मूव कर जाए। तो यहाँ पे देखें तो कंट्रोल एक्स है हमारे पास, यानी कट, यानी कट करने का मूव, कट करने का मतलब होता है मूव, कट करने का बेसिकली आपने वहाँ से काट दिया उसको रिप्लेस कर दिया दूसरी जगह पे ले आके, ठीक है। तो मैंने कट पे क्लिक करा यहाँ पे और फिर मैंने यहाँ पर आके क्लिक करा तो और सिंपल क्या करा यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल। तो यानी कि कट करके आप जो मूव, जैसे आप किसी फाइल वगैरह को जो मूव करवाते हो कंप्यूटर के अंदर आगे पीछे, अब अक्सर जगह पर जो फाइल वगैरह को जो मूव करवाते हो बिल्कुल वैसी ही जो है ये जगह भी है कि आप यहाँ से कहीं से फाइल को कट किया, ठीक है, आपने कट कॉपी कर लिया कॉपी और फिर आपको आपने जो इसको कहीं पे मूव करवा दिया कंट्रोल सिंपल। तो ये सारा काम बिल्कुल ऐसी है कि आपने पेज के ऊपर ये सारा काम आप यहाँ पे करवा रहे हो। तो बिल्कुल आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सही, पेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि पेस्ट क्या करता है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन है वो है पेज स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। ये मैं आपको अगली वीडियो में जो समझाऊंगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर प्रॉब्लम या कोई इश्यू जो है आपके सामने आया है, कोई एक्सक्यूज समझ में नहीं आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक अल्लाह हाफिज़।